ए शशांक भाई। अरे भाई साहब देखो यार, ये तो पूरे आसमान में उड़ गए हैं, आसमान की ऊंचाइयों में हमारे शशांक भाई। हेलो नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूँ दीपक और अभी हम हैं मैन पार्ट में। और मैन पार्ट में मैं सुना अभी कि पैरासीलिंग स्टार्ट हो गया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ पैरासीलिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कितना प्राइस है, कहाँ पर हो रहा है, सारा डिटेल दूंगा। बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। चलिए चलते हैं कमलेश्वरपुर से। पहले ये पेट्रोल पंप है और आपको कमलेश्वरपुर से आपको जाना होगा अंबिकापुर वाले रोड में। और जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में रास्ता कटता हुआ मिलेगा। वो आगे में हो रहा है पैरासीलिंग, ऐसे ही जाना पड़ेगा लग रहा है। देखते हैं। खेतों के बीच से होते हुए जा रहे हैं, देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। सनसेट होने वाला है और हम जा रहे हैं राइट पे, और वो है थार जिसमें हमें पैरासीलिंग करना है। तो शशांक भाई जा रहे हैं, सबसे पहले जाना है जी तुमको। कैसा एक्सपीरियंस है देखते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है पैरासीलिंग की, इससे पहले कुछ और किए हैं? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि मैं आसमान की ऊंचाई में हूँ भाई, 20 रुपये ले लो। ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? तब ठीक है फिर। शशांक जी ने बहुत एडवेंचर लोगों को दिया है। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ। ये जो है वो एडवेंचर वसूलें। हाँ बता रहे हैं रायपुर से काफी टाइम से यहाँ पे रहे हुए हैं। हाँ हाँ तो आई होप जो है बाहर के लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हेल्प होता है। लोकल रायपुर वाले जो है वो लोग ज़्यादा अटैच हो पाएंगे। राइट ये आपका जैसे स्कूल बैग होता है, जैसे आपको ये पकड़ना है, ठीक है। पूरे फ्लाइट के टाइम पे आपको सिर्फ यही पकड़े रखना है, दैट्स इट। इसके अलावा जो है वो आपकी फ्लाइट सारी चीज़ें हम कंट्रोल करेंगे। आप ऑलरेडी गाड़ी से टो होने वाले हैं, सब काम पैराशूट करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। मात्र सिर्फ एक काम रहेगा, टेक ऑफ के टाइम पे जब तक आप ग्राउंड पे हैं तब तक आपको चलना है, ठीक है। रुकना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि बस अब मैं उड़ने वाला हूँ मैं रुक जाऊँ, नहीं। जब तक आखिरी कॉन्टैक्ट आपका ज़मीन पे, आपको चलते रहना है, बाकी सब हम करेंगे। लैंडिंग के टाइम पे नीचे मत झांकिए, वो देखने से क्या होता है बॉडी आपकी टिल्ट होती है, पैर की जगह घुटनों पे नीचे आएंगे, ठीक है। स्ट्रेट देखिए, चिन अप रखिए, आपके लिए सेफ पॉइंट है वो बिल्डिंग के ऊपर का पेड़, ठीक है। बाकी फ्लाइंग के टाइम पे पूरा देखिए, इधर उधर सारे गांव दिखते हैं बढ़िया, और आप बताइएगा क्या नया दिखा आपको, ठीक है। चलो पीछे आ गया अनीश, जल्दी देखो पीछे, ठीक है। हाँ रेडी हो? थोड़ा एक नर्वस। चलो थोड़ा जाओ भाई। भाई लोग निकल रहे हैं, देखिए किस तरह का राइड होगा, ये बड़ा ही देखने वाला होगा, मजा आएगा। क्या है तुम भी एक्साइटेड हो? अरे बहुत ज्यादा, मतलब देखने के लिए पहला चीज तो वाह। देखो देखो, अरे रे रे वाह, अरे ओ भाई साहब, ए शशांक भाई। अरे भाई साहब देखो यार, ये तो पूरे आसमान में उड़ गए हैं, आसमान की ऊंचाइयों में हमारे शशांक भाई। क्या बात है, अरे वाह यार, ये तो मजा आ गया अब। अरे वाह, ये लैंड कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, फिर जा ही रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा राइड हो गया। लगभग 200-300 मीटर का राइड है ये, 300 मीटर का है। सनसेट होने वाला है और शशांक भाई आ गए हैं। क्या एक्सपीरियंस है उनका पूछते हैं, शशांक भाई से पूछते हैं यार कि उनको कैसा लगा। मत पूछो, बहुत सही लगा। अच्छा। बहुत एंजॉयबल, लिटरली ऐसा नहीं होता है, और अगर कोई आ रहा है, अगर कोई मौका मिले करना चाहिए, लिटरली बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। ऊपर कैसा लग रहा था भाई आपको? आप व्यू बता रहा हूँ, आप आंखों से जहाँ तक देख सकते हो ना भाई,
ऊपर जाके मतलब जो नजारे दिखते ना भाई इतने खूबसूरत, ये एक तो बहुत खूबसूरत जगह है, ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस मिल रहा है तो फिर से एक बार जरूर करके देखिएगा, इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं 200 रुपए देना है भाई, 200 रुपए ले ले भाई, उतार दे, बहुत प्यारी, और लंबा राइड करना था एक्चुअली। मैं बता रहा हूँ वहाँ जब स्लो किए ना कि मेरे को लगा कि वहीं एंड हो जाएगी, बट वहाँ वो एंड नहीं थी और आगे बम था थोड़ा, तो वो आगे और गए, बहुत सही था, और ये होना चाहिए, और लिटरली लग रहा था एक राउंड और हो जाता थोड़ा सा और आगे वहाँ तक चले जाते और मजा आ जाता भाई। चलो नज़ारे मतलब आंखों में भर नहीं पाओगे, इतनी है अच्छा देखने के लिए। और अगर प्राइस की अगर बात करें तो ये 999 रुपये में पर राइड आप कर सकते हैं, लगभग 300 मीटर का राइड है और बहुत ही सस्ता है। और अगर आप मैन पार्ट आते हैं तो पैरासेलिंग जो है ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।